हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किरण्स कुकिंग जोन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मोदक की रेसिपी। इसे ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे, यानी कि इसे स्टीम देकर बनाएंगे। इस रेसिपी के दो पार्ट है, मोदक की फिलिंग और इसके बाहर का कवर। मोदक की फिलिंग मैं बनाऊंगी गुड़ और कुछ ड्राई फ्रूट से, और बाहर का कवर बनाएंगे चावल के आटे से। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फिलिंग बनाने में किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। मैंने यहाँ पर लिया है 2 कटोरी बारीक सूखा नारियल। ये देखिए, इसे मैंने ग्रेट करके मिक्सी जार में और बारीक पीक कर लिया है। आप चाहें तो डेसिकेटेड नारियल यानी कि नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। 1 कटोरी गुड़ को मैंने बारीक कर लिया है। और हमें चाहिए 1 चम्मच देसी घी, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, मैंने 3 हरी इलायची को थोड़ी सी चीनी के साथ सिल पर बारीक पीस लिया है। चीनी के साथ इलायची बहुत ही आसानी से बारीक पीस जाती है। और मैंने लिया है बारीक कटे 7-8 काजू और 9-10 बादाम। आप अपने पसंद के और भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जैसे किशमिश, पिस्ता, चिरौंजी, अखरोट इत्यादि। कवर बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी चावल का आटा, 1 कटोरी पानी, 1/2 चम्मच नमक, 4 चम्मच दूध, 1 चम्मच देसी घी और 1 चम्मच चीनी। नाप के लिए मैंने रेगुलर चम्मच का यूज़ किया है। अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई या पैन गरम करेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। घी मेल्ट हो गया है, अब इसमें डाल देंगे 2 कटोरी नारियल का बुरादा। इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। मुझे इसे भूनते हुए 1 मिनट हो गए हैं। इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये देखिए। अब इसमें डाल देंगे 1 कटोरी गुड़। इसे चला लेंगे, गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी इलायची पाउडर, कटे हुए बादाम और काजू। इसे भी सिर्फ 1 मिनट ही भूनेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। मोदक की फिलिंग तैयार है, इसे ठंडा होने देते हैं और कवर के लिए डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए गैस ऑन करके इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी, 1 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच नमक और 4 चम्मच दूध। पानी में उबाल आने देते हैं। पानी में एक उबाल आ गया है, अब इसमें 1 कटोरी चावल का आटा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे पलटे से लगातार चलाते जाएंगे। इसे तब तक लगातार चलाएंगे जब तक ये डो फॉर्म में ना आ जाए। 1.5 से 2 मिनट में ही ये डो फॉर्म में आ गया है, आप देख सकते हैं। गैस को ऑफ कर देंगे और इसे कवर करके थोड़ा ठंडा होने देंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे हाथों की हेल्प से मसल कर चिकना कर लेंगे। इस स्टेज पर अगर आपको डो थोड़ा गीला या चिपचिपा लग रहा है तो आप इसमें सूखा चावल का आटा मिला सकते हैं, और अगर डो सूखा लग रहा है तो थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं। डो को मैंने तैयार कर लिया है, इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। अब सभी लोइयों को हाथों से गोल करते हुए चपटा कर लेंगे इस तरह से। इसे गीले कपड़े से कवर कर लेंगे। अब एक लोई लेंगे और उसमें चावल का आटा लगा लेंगे, एक्स्ट्रा आटा हटा लेंगे और चपटी लोई के बीच में एक अंगूठा रखेंगे और एक अंगूठा इसके किनारे पर रखेंगे और इसे गोल गोल घुमाते हुए इसको गहरी कटोरी का शेप दे देंगे इस तरीके से। कवर के किनारे को हम पतला करते जाएंगे। अब इसमें हम स्टफिंग को भर लेंगे। स्टफिंग भरने के बाद इसके किनारों पर इस तरह से प्लेट बना देंगे। इसके सब तरफ से प्लेट बना देंगे। प्लेट बनाने के बाद इसे हल्के हाथों से नीचे से चारों तरफ पकड़कर गोल गोल घुमाते हुए इसकी स्टफिंग को कवर कर देंगे। और इसे मोदक का आकार दे देंगे इस तरह। एक और मैं दिखाती हूँ।
इसे किस तरह से बनाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। ये बिल्कुल फ्री है। पहला तरीका तो ये हो गया कि किनारों में प्लेट डालकर इसे मोदक का शेप दे दें। दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको लोई को पहले की ही तरह अंगूठों से दबाते हुए गोल गोल घुमाते हुए कटोरी का आकार देते हुए बड़ा कर लेना है। फिर इसके बीच में स्टफिंग को रखना है और जिस तरह आप स्टफिंग पराठों को गोल गोल घुमाते हुए किनारों को बंद कर देते हैं उसी तरह इसे भी बंद करके मोदक का शेप दे देंगे। ये देखिए, अब एक चम्मच के पीछे वाले हिस्से से इस तरह इसमें लाइन बना देंगे। सभी तरफ हम इसमें लाइन बना देंगे आप देख सकते हैं कितने अच्छे शेप के मोदक तैयार हुए हैं। अब इसी तरह से सभी को बना लेंगे। इसी तरह मैंने सभी मोदक तैयार कर लिए हैं। अब इसे स्टीम करना है तो मैंने स्टीमर पहले ही पानी डालकर गर्म कर लिया है। अब एक एक करके सभी मोदक इसमें रख देंगे। रखने के बाद इसे ढककर 7 से 8 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे। 8 मिनट हो गए हैं, मोदक बनकर तैयार हैं। फ्रेंड्स, इसे आप भी अपने घर पर एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखें। सभी को ये मोदक बहुत पसंद आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।